हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो सूर्य के ऊपर है। कमजोर सूर्य के क्या लक्षण होते हैं, हम किस तरीके से जाने कि हमारे चार्ट में सूर्य कमजोर स्थिति में है और हम उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सूर्य को जानने के लिए ना हम लोग देख सकते हैं कि हमारे चार्ट में सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य किधर बैठे हुए हैं, किन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ हैं, वो किस तरीके की स्थिति में है, किस भाव में बैठे हुए हैं, नवांशा में उनकी स्थिति क्या है, वो सब बताएगा। वो टेक्निकल एक लैंग्वेज है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक ले मैन को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, वो लक्षण देख करके खुद में, खुद की पर्सनालिटी में, या आपके घर में जो है, या आपके आजू बाजू के लोगों में वो आदतें हैं, तो आप वो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको देख करके ये समझ जाओगे कि हाँ, इस इंसान का सूर्य कमजोर है, और अगर सूर्य कमजोर है तो उस कमजोर सूर्य को ठीक करने के उपाय क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। अगर किसी इंसान के अंदर ऊर्जा की कमी है, उसके अंदर वाइटैलिटी नहीं है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, उसका हेल्थ का कारक भी सूर्य है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, हड्डियों की बीमारी भी ना कमजोर सूर्य देता है, क्योंकि सूर्य को बोन्स का कारक बताया गया है। अगर आप देखते हो किसी इंसान में हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, आलस करता है, उसके अंदर ऐसे तेजी नहीं है, उठ करके किसी भी काम को अंजाम देने की एक सामर्थ्य नहीं दिख रही है, वो स्टेमिना नहीं दिख रहा है, उसके अंदर एक वो करेज नहीं दिख रहा है, उसके अंदर एक जो एक वाइब्रेशन होता है किसी भी इंसान में, जैसे जिसका सूर्य उठ चुका होगा या फिर सूर्य स्ट्रांग होगा, वो लोग कैसे होंगे ना, हमेशा चहकते हुए नजर आएंगे, उनके आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा होगा। लेकिन इन लोगों के साथ एकदम उल्टा होता है, इन लोगों के आजू बाजू में एकदम शांत माहौल है, परेशान है, दुखी है, और मतलब कुछ काम करने का इनका मन नहीं है। इस तरीके की आप चीजें देखोगे अगर किसी का सूर्य कमजोर है, आप देखोगे ये लोग अपनी जो बैकबोन है ना, उसको ऐसे झुका करके रखते हैं, वो स्ट्रेट नहीं चलेंगे, उनको बैकबोन को झुका के चलने की आदत है, पैर को घिसके चलने की आदत होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो हेल्थ का कारक है। जल्दी जल्दी बीमार आप उन लोगों को देखोगे, तो उस बीमारी की वजह से वीकनेस का भी कारक सूर्य है इनके चार्ट में। अगर अफ्लिक्शन में सूर्य है, तो अगर आपको वीकनेस दिख रही है, खाना आप टाइम पर नहीं खा रहे हो, या खा भी रहे हो तो भी आपको वो जो अंदर एक स्टेमिना आ जानी चाहिए, आपके अंदर ताकत आनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। हड्डियों में D3 की कमी भी खराब सूर्य की निशानी है। अगर आपका D3 हमेशा कम रहता है, तो आप समझ जाओ कि आपका सूर्य खराब है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा सूर्य विल पावर का कारक है, सूर्य आपके आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य आपको बताता है कि आप कितनी कन्विक्शन के साथ अपनी किसी चीज को रख पाओगे, सामने वाले को कितनी कन्विक्शन के साथ चीजें बोल पाओगे। लेकिन अगर आप देखते हो किसी की विल पावर कमजोर है, कोई इंसान किसी काम का इनिशिएट कर रहा है, उसको बीच में ही छोड़ देता है, फिर नया काम शुरू करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर तीसरा काम उठाता है उसको छोड़ देता है, किसी काम को कंप्लीट नहीं करता, तो आपको समझ जाना चाहिए इस इंसान का सूर्य कमजोर है। विल पावर में कैसा है कि अगर किसी भी चीज को आपको बता दिया कि आपको ये काम करना है, अगर आपके लाइक कोई भी आपको ऐसा लगता है ना, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप इजीली गिव अप कर देते हो। आपके विल पावर इसका मतलब स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपका सूर्य भी स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। ये विल पावर को शो करता है सूर्य। जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, उसका सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान कभी भी किसी भी हालत में डरता नहीं है, किसी भी हालत में अपने आप को पीछे नहीं रखता, किसी भी हालत में किसी भी काम को करने से रुकता नहीं है, इसका मतलब उसका सूर्य मजबूत है। और वहीं जो इंसान इजीली नर्वस हो जाए, आपको ये देखोगे जिसका सूर्य कमजोर होगा ना, वो नर्वस भी होगा, दुनिया के सामने अपनी बात रखने में भी उसको तकलीफ होगी, वो अपनी बात नहीं रख पाएगा, उसको ये लगेगा लोग मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे कैसे समझेंगे, मुझे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, लोग मेरे बारे में कहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये, मतलब उसका जो, उसको ऐसा लगता है कि उसको इवैल्यूएट करेंगे सामने वाले, उसको जज करेंगे। तो जहां इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, इंसान की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, इसका मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी है। जो इंसान अपनी बात मजबूती से रख करके कह रहा है, चाहे उसको एक ही बात बताओ 100 में से, और जिसके पास 100 बातों को भी बताने की नॉलेज है, उसके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अपनी 100 बातों में से एक बात भी नहीं रख पा रहा, उसका सूर्य कमजोर है। और जिसको सिर्फ एक ही बात पता है और वो बात भी बहुत स्ट्रांगली रख देता है, उसका सूर्य स्ट्रांग है। तो ये एक लक्षण है। जो इंसान स्टेज पर जाने से डरता है, स्टेज फियर जिन लोगों के अंदर होता है, जिन लोगों के अंदर आप ये देखोगे,
देखो एक चीज और मैं इसमें बताती हूँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर कोई कहीं भी बैठना है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, तो कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे। आप देख लेना उनका सूर्य हर हाल में पीड़ित मिलेगा। जो लोग सबसे आगे वाली सीट पर बीचों बीच जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बीच में बैठते हैं, उन लोगों का सूर्य स्ट्रांग है, तो एक ये भी लक्षण होता है। इसके अलावा सूर्य एम्बिशन का कारक है। अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, आप चीजों को बहुत आगे से आगे आके करते हो, या फिर बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका सूर्य स्ट्रांग है। लेकिन आप देखोगे किसी इंसान में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर वो एक जॉब पे टिक कर गया ना, फिर तो बस उसको ये लगता है कि ठीक है, पूरी जिंदगी कट जाएगी, चलता है, ठीक है, चल जाएगा, चलने दो, मेरा जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। इस तरीके की अगर आपके अंदर आदतें हैं, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है, आप में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। अगर जिसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, इसका मतलब उसका सूर्य वीक है। आप एक चीज और बहुत इजीली देख सकते हो, जिसका सूर्य कमजोर है उस इंसान के अंदर ना, एक तो वो झूठ बोलेगा, पहली चीज उसको झूठ बोलने की आदत होती है। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है, उसको लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया, सच का परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा, पता नहीं कैसा निकलेगा। तो सबसे पहले वो इंसान क्या करेगा, झूठ बोलेगा। दूसरा वो क्या करेगा, दोषारोपण। ये एक सबसे बड़ा ट्रेट है इंसान की, हर नाकामयाबी के पीछे वो कभी अपने आप को जिम्मेवार मानेगा ही नहीं। वो सोचेगा नहीं कि मेरी रीजन है, या मेरी वजह से मैं इस पर्टिकुलर काम में नाकामयाब रहा हूँ। वो हर चीज के लिए किसी ना किसी को बता देगा कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, क्योंकि इसने बोला था इसीलिए ऐसा हो गया, क्योंकि उसने बोला था इसीलिए ऐसा हो गया। वो कभी भी अपने ऊपर कोई भी चीज का दोष लेगा नहीं कि मैं, ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज को सुधारूंगा, नहीं करेगा। जिसका सूर्य कमजोर होगा, वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही दोषारोपण करेगा, दूसरों के ऊपर ही उस चीज का नाम डालेगा, दूसरे को ही जिम्मेदार बताएगा उसकी नाकामयाबी का। ये सबसे बड़ा कारण होता है। अब देखिए, सूर्य आपके पिता का भी कारक है, तो जिसका सूर्य कमजोर है, वो इंसान देखेगा कि या तो उनकी खुद के पिता से बनती नहीं है, पिता के साथ जरा सी भी उनके विचार और उनके पिता के विचार आपस में जरा सी भी मिलते नहीं है, या फिर पिता की हेल्थ खराब रहती है, या फिर बचपन में ही कुछ ऐसा हो गया होता है कि उनको पिता का जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट नहीं मिलता, या पिता तुल्य लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखोगे जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में हमारी जो बॉसेस हैं, या हमारे जो सीनियर्स हैं, वो सब किस चीज का कारक है, वो सूर्य सूर्य उस चीज का कारक है। कि जो भी हमारे जितने भी बॉसेस है ना, वो आप अपनी कुंडली में सन को देखोगे, सन की स्थिति बताएगी कि आपको किस तरीके के बॉसेस, किस तरीके की अथॉरिटीज आपके लाइफ में मिलेंगी। तो जहां जिसका भी सूर्य कमजोर है, उसकी उसके बॉस से नहीं पटेगी, उसके सीनियर से नहीं पटेगी, उसकी उसके ऊपर वाले जो मैनेजमेंट है उससे नहीं पटेगी, और हमेशा उनको उन लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। यहाँ एक और भी चीज है कि अगर इंसान कितना भी काम कर रहा है, बहुत मेहनती भी है, सोचो उनके शनि बहुत स्ट्रांग है, सूर्य कमजोर है लेकिन शनि बहुत स्ट्रांग है, द पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग अपने वर्क प्लेस पर, तो कभी भी इनको इनके काम के लिए जो रिकॉग्निशन होती है वो कभी नहीं मिलेगी, कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। इनके जो जो अथॉरिटी है, जो इनके बॉसेस हैं, जो इनके सीनियर्स हैं, जो इनका मैनेजमेंट है, वो कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं करेगा इनके काम के लिए। ये कितना भी अच्छा काम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन कभी भी वहां से इनको ऐसा अप्रिसिएशन, वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये भी एक खराब सूर्य के लक्षण होते हैं। अब देखिए, जो सूर्य है वो हमारा यश, हमारा मान सम्मान, हमारा फेम, हमारा किस तरीके से नाम फैल रहा है, उस चीज का कारक भी होता है। सबसे पहले जब भी सूर्य की बात आएगी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा फेम, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन लोगों को फेम मिलने में बहुत मुश्किल होती है, इन लोगों का नाम फैलने में बहुत मुश्किल होती है, इन लोगों को अपयश तो बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन यश मिलने में इन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, चाहे कितने भी सोशल वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इन लोगों को कभी भी यश की प्राप्ति नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ी इनकी चीज है। दूसरा आप ये देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कार्य है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा इनका, या फिर इनको कोई भी पेपर पास कराना होगा, या टैक्स रिलेटेड कुछ काम होगा, कुछ भी काम होने दो गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां उन कामों में इनको प्रॉब्लम आएगी। जो सरकारी कागज होते हैं उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिलेगी। वहां अगर ये सरकारी ऑफिसेज में जाएंगे, तो इनको बहुत मुश्किल है किसी का भी सपोर्ट मिल पाना, इन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिलता है, हमेशा इनको मतलब उस चीज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जहां भी गवर्नमेंट वर्क आ जाए।
दूसरा देखा जाता है कि देखिए कभी कभी कैसा होता है ना, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है हमारे चार्ट में, सूर्य उच्च के भी है लेकिन बैठे हैं राहु के साथ, शनि के साथ या मंगल के साथ। तो यहाँ पर क्या है ना, सूर्य अच्छे होने के बाद भी वो अफ्लिक्शन में आ गए, तो ऐसे समय में क्या होगा, सूर्य मजबूत है, इन लोगों को बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन क्या होगा, इनके अंदर इतना झूठा अहंकार होगा, इतने इगोइस्टिक होंगे, ये सामने वाले को कुछ भी समझते नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है जब सूर्य, उसको भी हम बोलते हैं खराब सूर्य के लक्षण। हालांकि सूर्य बहुत अच्छे हैं पोजिशन में, उच्च के हैं, लेकिन खराब क्यों हो गए, क्योंकि वो शनि के साथ आ गए हैं या शनि के प्रभाव में आ गए, उनकी दृष्टि के साथ आ गए हैं, या फिर मंगल के या राहु केतु के प्रभाव में आ गए, उसकी वजह से इंसान के अंदर इस तरीके की फॉल्स ईगो जैसे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए हम दो तरीके से सूर्य के उपाय कर सकते हैं। पहला तो क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली बैलेंस करके, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला करके, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस तरीके से कर सकते हो। और दूसरे कैसे हैं, ज्योतिषी उपाय हैं जो करके आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल उपाय हैं, वो हम ऐसे क्या है कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा सूर्य स्ट्रांग हो जाए। पहली चीज है ना, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, जिन लोगों का सूर्य मजबूत नहीं होता उन लोगों का कोई रूटीन नहीं होता, और उन लोगों को रूटीन में लाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। अब आप ये सोचो, जब आप बीमार हो जाते हो आपको दवा खानी पड़ती है, दवा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ये सोच लो ये मेरी दवा है, मुझे दवा की तरह ना चाहते हुए भी खाना है, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मेरा एक रूटीन मेंटेन करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या करना है। बॉडी की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अगर आप वॉक नहीं करते, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, सूर्य उदय होने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, उठना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सूर्य उदय हो चुके हैं बहुत देर पहले आप 9 बजे उठ रहे हो, 8:30 बजे उठ रहे हो, अपने काम प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, अपने काम प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना, आज नहीं ठीक है मैं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों, अभी रुक जाओ ना थोड़ी देर में कर लेता हूँ, इस तरीके की जो हैबिट्स होती हैं वो भी खराब सूर्य की निशानी है, इवन आपके सूर्य को और भी ज्यादा खराब करते हैं। किसी भी हाल में आपको अपने कामों को टालना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा, अपने पिता के साथ आपको संबंध अच्छे बना के रखना है। देखो आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आप में और आपके फादर में बन नहीं रहे, वो आपका प्रॉब्लम है, सूर्य आपके खराब है, आपके फादर की वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा, फादर थोड़ी ना ढूंढेंगे। अगर आपके पापा के साथ आपकी नहीं भी बनती है तो भी आपको उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी हर बात मानना, सही है गलत है जो भी है, वो जो भी बोल रहे हैं उनकी ईगो को हर हाल में सेटिस्फाई करना, वो जो कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाना, और शांति से शांति बनाए रखना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनको बैक आंसर नहीं देना, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने फादर के पैर छूने से भी आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। डेली नियम बना लो, आंख खुलेगी सुबह पैर छू, आधे रिश्ते तो आपके वैसे ही खत्म, मतलब जो खराब रिश्ते ना वो वैसे ही सही हो जाएंगे, जो जो खराबी है वो सब खत्म हो जाएगी रिश्तों में, जैसे ही आप सुबह उठ के अपने पिता के चरण स्पर्श करना स्टार्ट करोगे। ये बहुत अच्छी और बहुत कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेमेडी है किसी के भी सूर्य को मजबूत करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, जैसे मैंने बताया कि D3 भी कम होना खराब सूर्य के लक्षण है। तो D3 आपको कैसे मिलेगी, जब सूर्य उदय होता है तो उसके स्टार्टिंग का जो 1 आ रहा है, अगर आप उसमें 15-20 मिनट भी सनलाइट में रहते हो तो यू विल गेट D3, विल स्टोर D3 इन योर बॉडी, तो दैट इज द फर्स्ट रेमेडी। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो आपको सूर्य उदय होने के साथ साथ सूर्य की रोशनी में आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट मिनिमम आपको रहना ही रहना है। आप उस टाइम में वॉक कीजिए, कुछ भी करो, लेकिन सूर्य के मतलब सूर्य की रोशनी में बैठ करके आप वो काम करोगे। सूर्य को जल देना दूसरी रेमेडी है। सूर्य को, जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप सूर्य को जल दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने जैसे सपोज 6 बजे आपका सूर्य उदय हुआ और आपको 7 बजे तक जल दे देना है, उसके बाद आप जल देते हो तो वो आप अपने मन के लिए कर रहे हो कि मैं सूर्य की पूजा कर रहा हूँ या फिर सूर्यदेव को जल दे रहा हूँ, वो आपको पूजा लगेगी नहीं, क्योंकि सूर्यदेव को जल देने का तरीका है, आप कॉपर का लोटा लीजिए और उसमें जो पानी है ना, वो जब आप देंगे ना जल, उसको अपने सर से ऊपर रखिए, और जब वो पानी की धार जब आपके सामने से बहेगी तो उसमें से जो प्रकाश की जो रश्मि, जो किरण आएंगी ना, वो आपकी बॉडी तक आनी चाहिए, आपकी आईज तक आनी चाहिए, क्योंकि खराब सूर्य की निशानी कमजोर आंखें भी होती हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं बचपन में, जिन बच्चों की आंखें कमजोर हो जाती हैं वो भी खराब सूर्य की ही एक निशानी है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, वहीं खड़े होकर 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, या फिर 108 टाइम्स ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करो।
सूर्य की रोशनी में बैठो, ये सूर्य के लिए जो ज्योतिषी उपाय है वो हो गए। इसके अलावा मॉर्निंग में उठ के 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने का भी टाइम वही है, सुबह 1 घंटे के अंदर अंदर, सूर्य नारायण के उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये पाठ कर लो, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा क्या है कि आप संडे वाले दिन अगर फास्ट कर सकते हो, जिसमें नमक छोड़ना है, अगर आप सूर्य के लिए सूर्य की पूजा कर रहे हो, सूर्य के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो नमक कम से कम खाना शुरू कर दो अपने खाने में। अगर आप लोग तेज नमक खाते हो तो उसको कम कर दो। और देखो, जो लोग बहुत ज्यादा तेज नमक खाते हैं ना, खाना खा लिया उस मतलब खाना बनाया नॉर्मल लग रहा है सबको, लेकिन इनको नमक कम लग रहा है, इसका मतलब इनका सूर्य पर प्रभाव है, सूर्य कमजोर है, या किसी भी रीजन से ट्रांजिट में कोई प्लैनेट आया उसकी वजह से ड्यूरेशन में वो कमजोर हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा नहीं होता है कि हमको हमेशा सूर्य नमक कम लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले तो ठीक लगता था, आजकल हमको नमक कम लगने लगा, इसका मतलब ट्रांजिट में सूर्य कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में है, कमजोर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नमक की मात्रा को कम रखना है, अपने स्वाद पर कंट्रोल रखना है। स्वाद देखो या सूर्य देखो, दोनों में से एक चीज को देखना है। संडे को आपको व्रत करना है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप संडे वाले दिन नमक मत खाइए। तो ये है ज्योतिषीय उपाय। तो सूर्य कमजोर होने के लक्षण भी हमने देखे, सूर्य को मजबूत करने के उपाय भी देखे, और सूर्य को मजबूत करना हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपकी विल पावर बताता है, सूर्य आपकी हेल्थ बताता है, सूर्य आपकी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आईज को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके नाम को, आपके सम्मान को, आपके यश को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर की हेल्थ मैटर करती है। अगर आप अपने पिता से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, आपका सूर्य कमजोर है, तो यू हैव टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता काली।